दोस्तों जब आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। साथ ही दोस्तों जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां भी आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप कोई सरकारी योजना लेना चाहते हैं उसमें भी आपको जाति प्रमाण पत्र देना होता है। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र 2022 में कैसे बनेगा कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार बना सकते हैं बहुत आसानी से। बने रहिए हमारे आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ये वाले ऐप डाउनलोड करने होंगे गूगल प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूं, पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस टाइप का इसका इंटरफेस होगा। फिर यहाँ पर आप परमिशन को अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाने होंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ अपना यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके अकाउंट नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ से रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। दोस्तों रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे बोल रहा है प्लीज़ चॉइस योर इंटेंस। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ये वाले ऑप्शन बिहार सर्विस नेम। यहाँ पर आप अपना फुल नेम देंगे, एक ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे, ओटीपी डाल के पासवर्ड एक बनाएंगे और पासवर्ड बनाने के बाद एक ये जो कैप्चर शो हो रहा है इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, आप अपना एक अकाउंट इसमें क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उन दोनों में से कोई एक दोस्तों आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड तो आपको याद रखना ही है। तो चलिए हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम वहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सिलेक्ट करने बोल रहा है तो यहाँ पर भी आप बिहार सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका लॉगिन आईडी था, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो आपको फिर से एक नया पेज शो होगा। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि 4 अंक का पिन बना ले ताकि बार बार आपको लॉगिन डिटेल्स ना डालना पड़े। सिंपली आपको 4 अंक के यहाँ पर पिन बना लेने हैं, फिर उसको कन्फर्म करने हैं, फिर आपको यहाँ जनरेट पिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइप के इसका इंटरफेस होगा। इसमें बहुत सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगे बिहार के। तो दोस्तों जैसे कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कास्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे कास्ट सर्टिफिकेट आ गए। तो दोस्तों हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमेशा आपको कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, इन तीनों को बनाने के लिए दोस्तों हमें आरओ लेवल क्लिक करने होते हैं। तो चलिए हम आरओ लेवल पर क्लिक करते हैं। आरओ लेवल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। दोस्तों याद रखें जैसे आप वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हैं तो जल्दी जल्दी अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो टाइम आउट हो जाता है। बिल्कुल इसमें भी वही सिस्टम है, आपको जल्दी जल्दी फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको शो होता है जेंडर, तो यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा मेल फीमेल। उसके बाद अभिवादन, तो दोस्तों अभिवादन में श्री श्रीमती सिलेक्ट कर लेंगे, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में डालना है। उसके नीचे आपको शो होता है अप्लीकेंट का नाम हिंदी में डालना है। उसके नीचे में दोस्तों शो होता है नेम ऑफ फादर, तो फादर का नाम अपना इंग्लिश में डालेंगे। फादर का नाम इंग्लिश में डालने के बाद फिर उसके नीचे वाले कॉलम में दोस्तों फादर का नाम को हिंदी में डालना है। हिंदी में डालने के बाद नीचे दोस्तों मदर का नाम इंग्लिश में डालना है, तो हमने दोस्तों मदर का नाम अपना डाल दिया। अब उसके नीचे में यहाँ पर माता का नाम आ रहा है, तो माता का नाम दोस्तों फिर से हिंदी में डाल देंगे। फिर उसके नीचे वाला कॉलम शो होता है नेम ऑफ हस्बैंड, तो दोस्तों अगर आप किसी महिला के बना रहे हैं तो यहाँ पर उनके नाम डाल देंगे। पहले हिंदी में, इंग्लिश में डालेंगे फिर हिंदी में। उसके बाद अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, फिर अप्लीकेंट का ईमेल आईडी डाल देंगे अगर होगा तो, नहीं तो उसको ऐसा ही रहने देंगे। फिर उसके नीचे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, बाद आपको अनुमंडल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे में आता है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। दोस्तों हम ग्राम पंचायत से हैं तो हमने ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लिया। वार्ड नंबर मालूम है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ से अपना विलेज सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका विलेज होगा।
फिर उसके नीचे वाले कॉलम में दोस्तों आप अपने मोहल्ले का नाम डाल देंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये सब हिंदी में फिल करना है। फिर उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पड़ता है वो भी यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद उसके नीचे शो होता है दोस्तों थाना, तो आपका जो पुलिस स्टेशन है वो भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा, तो चलिए हम डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपका वर्तमान, उसके बाद दोस्तों हमें शो होता है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, जैसे ब्लू वाला टिक आप देख रहे हैं। उसके नीचे शो होता है दोस्तों आधार नंबर, तो अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ पर आपको OTP डालकर वेरीफाई करना होगा, लेकिन हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोटो डालने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों फ़ोटो कुछ इस प्रकार से डालेंगे ताकि हमें फ़ोटो पर साइन किया हो, जैसे कि प्लेन पेपर पर रख लेंगे फ़ोटो को और क्रॉस सिग्नेचर कर लेंगे। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ, लेकिन मैं अपना फ़ोटो बनाया हूँ, तो चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा, वहाँ से आप अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने अपना फ़ोटो को बनाया है, तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बनाने आता है तो दोस्तों इस प्रकार से बना लेंगे, नहीं तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो देख रहे हैं हमने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा पैसा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है, इनमें से कुछ होंगे तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी जिसको कहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरी दिया हुआ है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आता है जाति, मतलब अपना कास्ट यहाँ से आप ढूंढ लेंगे, जो भी आपका कास्ट होगा इसमें बहुत सारा दिया हुआ है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उपजाति पता होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। नीचे आता है दोस्तों घोषणा, तो इसको आई एग्री पर ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाता है दोस्तों एक कैप्चर, इस कैप्चर को फिल करेंगे और फिल करके दोस्तों ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि अचानक से कभी कई बार ब्राउज़र हमारे फेल हो जाते हैं, टाइम आउट हो जाता है, तो ये हमारे ड्राफ्ट में सेव रहेगा। तो जैसे कि मैंने ड्राफ्ट पर क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं, इसके बाद एक रेफरेंस जनरेट हो जाता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे दोस्तों। नीचे जाने के बाद ये वाला कैप्चर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक अपना डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ है दोस्तों आपके पास, इनमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों दस्तावेज देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट पर आपको ये वाला जो सिलेक्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट बहुत सारा खुल जाता है, इनमें से आपके पास जो भी है वो दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके आपके गैलरी खुल जाएंगे। आप PDF में उस डॉक्यूमेंट को बना लेना, तो देखिए हमने बना लिया अपने पैन कार्ड को और फिर सेव एसोसिएट पर क्लिक करेंगे। सेव एसोसिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से एक पेज आएगा जहां आपको सबमिट करने के लिए कहेगा, तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इस टाइप के आपका एक्नोलॉजमेंट स्लिप शो होगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, नहीं तो यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट PDF, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वो PDF में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसका स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आपको ओपन करेंगे और 3 लाइन पर क्लिक करके ट्रेक एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और जो भी आपके दोस्तों एक्नोलॉजमेंट नंबर था जो आपने स्क्रीनशॉट मारा या PDF सेव किया उसको यहाँ पर डालेंगे और डालकर दोस्तों फिर आपके यहाँ पर नीचे शो हो रहा है ट्रेक स्टेटस, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के आपके स्टेटस शो होंगे, जैसे कि मैंने अभी दोस्तों सबमिट किया है अपने एप्लीकेशन को, तो हमारे यहाँ पर कुछ इस टाइप के स्टेटस शो हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारे मोबाइल पर SMS भी आ गया है जिसमें हमारा एक्नोलॉजमेंट नंबर है दोस्तों। दोस्तों जब आप अपने जाति प्रमाण पत्र को अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई करके आपको 10 से 15 दिन के वेट करने होंगे और टाइम टू टाइम दोस्तों आपको स्टेटस चेक करते रहना होगा। फाइनली दोस्तों आपको 10 से 15 दिन में आपके जाति प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा और वहां पर डाउनलोड का एक ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस भी मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आप जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में, इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।